नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव और अभी हम मौजूद हैं ओबरा विधानसभा अंतर्गत और हम लोग के बीच अभी मौजूद हैं ओबरा के पूर्व विधायक वीरेंद्र सिन्हा जी। आइए इनसे जानते हैं, कुछ क्षेत्रीय सवाल है जो जनता की सवाल है जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर माइकल में। क्षेत्र की सब जनता जानना चाहती है सर कि आपका कार्यकाल अच्छा चल रहा था और आप एक सिटिंग MLA थे, फिर भी सर आपको पार्टी द्वारा टिकट काट दिया जाता है, इसके कारण क्या थे सर? हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? नेता का जो फैसला है वो सर्वमान्य फैसला है सर। आपका कहीं से भी कोई शिकायत नहीं था? क्षेत्र की जनता में हर जगह पर चर्चा था। शिकायत है या नहीं है इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है, उन नेता हमारे सर्वोपरि हैं, उनका फैसला ही सर्वमान्य है। और तो चलिए, कब कर्म पूरा हुआ या आने वाला समय जो 2025 या उसमें फिर सब वापसी कर रहे हैं, इसका फैसला भी हमारे नेता ही लेंगे। हम आज भी दल में हैं, कल भी दल में थे और कल भी दल में रहेंगे। अगर 2025 में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, नहीं भी दिया तो किसी दूसरे दल का विरोध करेंगे? नहीं भी दिया जाएगा तो हम दल का सम्मान करेंगे। मतलब टिकट मिले या नहीं मिले, टिकट मिले या नहीं मिले, हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही रहेंगे। मतलब जो भी कैंडिडेट है जिनको टिकट दिया जाएगा उनका मदद कीजिएगा? हाँ जरूर। तो मदद भी नहीं कीजिएगा, हरवाने के लिए लगे रहेगा? जरूर मदद करेंगे, मदद रहेगा। हाँ तो क्या कहते हैं सर, जो वर्तमान विधायक अभी है उनका कार्यकाल भी कैसा चल रहा है? उनका कार्यकाल के बारे में जनता जवाब देगी, हम क्या बताएंगे। अभी लगातार जो देखा जाए उनकी पत्नी भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। उनकी पत्नी अब क्या किस लिए भ्रमण कर रही है इसका जवाब तो हमारे नेता ही, हमारे नेता ऋषि कुमार जी हैं, हमारे क्षेत्र के नेता हैं, उसका जवाब वही दे सकते हैं। हो सकता है कि वो भावी प्रत्याशी MP सांसद का हो। MP के लिए तैयारी में लगे हुए हैं? हाँ तैयारी में लगे हुए हैं। आपको क्या लग रहा था महागठबंधन से सर चर्चाएं तेज चल रही है, कुशवाहा भर से कुशवाहा होगा या कुशवाहा भर से बाबू साहेब आएंगे, ये आपको सब कुछ? अब हमारे नेता का जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। अगर हमारे नेता का फैसला होगा कि ऋषि कुमार जी की पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी तो हमको भी स्वीकार करेंगे हम। तो आज वर्तमान में सर जिला पार्षद के या मैके में आए हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग उनको आदर सम्मान करते हैं, हमारे जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग उनके मायके में, आज जन्मदिन था, इस अवसर पर हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए हैं और उनको मान सम्मान करते हैं। चलिए, क्षेत्र के जिला पार्षद है और काफी लोग प्रिय चेहरा है आप सर, लगातार कभी विधायक जी के साथ है, कभी वर्तमान विधायक भी हैं और इससे पहले विधायक, आपका सबके साथ एक अच्छा संबंध है, आप सर सपोर्ट किसे करते हैं वोटिंग के रूप में? हमको सब प्रिय हैं, जो वोट में आते हैं अपने दल से उनको। देखा जाए तो अब तक आपके नजर से कौन विधायक रहे अच्छे जो ओबरा के लिए? सब लोग मेरे नजर में अच्छे हैं, जो पावर में रहे सब लोग। ओबरा के लिए कौन अच्छा काम कर रहे हैं? ओबरा के लिए जो रहते हैं सारे लोग काम करते हैं, अपना वह ऐच्छिक निधि है जो सबको बांटते हैं। तो अच्छा काम किया है? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। अभी जो वर्तमान में भी कर रहे हैं? भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता बधाई हो हमारे लिए कि सब क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे, उसमें हम भी खुश रहेंगे। विधानसभा सर आपका भी काफी चर्चा तेज है, क्या आप भी तैयारी में लगे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े और हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, हम हमेशा 24 आवर पार्टी के काम में लगे हुए रहते। विधायक जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो भी वर्तमान विधायक है माननीय ऋषि कुमार जी? विधायक जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हैं और तेज तरार विधायक हैं, क्षेत्र के काम के लिए हमेशा राजधानी से लेके जिला तक लगे हुए रहते हैं, जितना बनता है वो अपने काम में लगे हुए रहते हैं। मतलब फिर तो उनकी वापसी होगी? अच्छे कार्य है तो वापसी होना चाहिए, टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से वापसी होंगे। जनता में या पार्टी लेवल पे कहा जाता है शोर है कि उनकी पत्नी लोकसभा की तैयारी कर रही है। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनकी पत्नी लोकसभा की तैयारी कर रही है, वो आते हैं तो कभी कभी चली आती है, ऐसा कोई बात हुए तो महागठबंधन का जो फैसला होगा उसके अनुसार न कार्य होगा, थोड़े किसी व्यक्ति के कहने से कुछ होगा।